न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होनी शुरू हो गई हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के बैनर तले चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अभी टिकट के इंतजार में हैं, लेकिन निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते साल 1962 में जाटूसाना विधानसभा सीट वर्तमान में कोसली से निर्दलीय विधायक बने राव निहाल सिंह के पोते सुनील यादव ने भी आज कोसली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सुनील यादव आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके बुजुर्गों ने अपना सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था और अब समय आ गया है कि वह भी उनके बताए रास्तों पर चलकर इलाके के विकास को गति दें और उसे बुलंदियों तक पहुंचाएं। अपने 11 सूत्रीय घोषणा पत्र को लेकर कोसली सीट से चुनाव मैदान में उतरे सुनील यादव ने दावा किया कि अगर इलाके की जनता ने उनका साथ दिया और वह विधायक बने तो वे न केवल क्षेत्र के विकास को कोई कोर कसर बाकी छोड़ेंगे बल्कि इलाके को उन बुलंदियों तक पहुंचा देंगे जो आज तक पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। इसके साथ ही सुनील यादव ने कहा कि अगर उन्हें विधायक बनने का मौका मिला तो वे सरकार से न कोई सैलरी लेंगे और न ही कोई पेंशन। वहीं विधायक को मिलने वाली राशि को रेडक्रॉस में जमा कराया जाएगा ताकि जरूरतमंद और गरीब बच्चों तक यह सारा पैसा पहुंचे और हरियाणा और अधिक खुशहाल बन सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्व विधायक या मंत्री यह कहे कि वह पेंशन छोड़ रहे हैं तो वे भी सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हर माह एक मोटा बजट पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च हो जाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसकी राष्ट्रीय पहचान के लिए कोसली में बहुत स्मारक बनाया जाएगा। अनेक लंबे रूट की ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर नहीं है, इसके ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड से बातचीत कर पूरा करवाया जाएगा। हर 3 गांवों पर PHC व 15 गांवों के लिए CHC सेंटर खोला जाए। हर गांव को मॉडल बनाया जाए। जिस गांव में सबसे ज़्यादा सैनिक होंगे उनका नाम स्कूल के मुख्य पट पर लिखा जाए ताकि हर युवा हमारे सैनिक को गर्व महसूस कर सके। कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर बेटियों को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम सभा के सहयोग से हर गाँव में कमेटियों का गठन किया जाएगा जो करवाए गए विकास कार्यों पर नजर रखेगी। अधिकांश गांवों में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, हर गांव में बसों की सर्विस सेवा शुरू की जाएगी। गांव स्तर पर बेरोजगार युवाओं को हर 6 महीने बाद डाटा तैयार होगा जिन्हें उन्हें योग्यता के आधार पर स्वयं रोजगार या नौकरी दिलाने की प्राथमिकताओं को पूरा करवाया जाएगा। हर 40 गांवों पर एक अनाज मंडी स्थापित की जाएगी ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसी तरह 30 गांवों के लिए कॉलेज की स्थापना की जाएगी ताकि बेहतर सुविधा बेहतर शिक्षा के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़े। क्योंकि जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं 1 रुपये सैलरी नहीं लूंगा, न मैं पेंशन लूंगा। ये पैसा रेड क्रॉस में जमा किया जाए, जरूरतमंद गरीब बच्चों तक ये पैसा पहुंचाया जाए ताकि भारत और हरियाणा और तकरीबन दक्षिणी हरियाणा ज्यादा खुशहाल हो सके। एक एक अगर कोई आदमी पीछे विधायक रहा हो मंत्री रहा हो अगर वो उन्हें कह दे मैं अपनी पेंशन आज मैं छोड़ रहा हूं तो हम सक्रिय राजनीति से दूर ही हट जाएंगे। क्योंकि कोई आदमी 2.5 लाख रुपए महीने की पेंशन ले रहा है 6 बार का जीतता हुआ, कोई 2 बार का जीतता हुआ 1 लाख रुपए पेंशन ले रहा है तो गरीबों तक कहां सुनाई हो रही है। तो मैं कोसली की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं 1 रुपये भी सैलरी नहीं लूंगा, अपने घर से तन मन से काम करूंगा लोगों की सेवा के लिए, न कोई पेंशन लूंगा। जो भी सैलरी का पेंशन का पैसा हो वो रेड क्रॉस में जमा हो, अब जरूरतमंद गरीब आदमी होता है वो पैसे पहुंच सकते।